बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं चिकन सूप। और उसके लिए हमें चाहिए 4 कप पानी, 1 पाव चिकन, 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर, 2 टेबलस्पून हरा प्याज, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 अंडा, 1 लीमू का रस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। कॉर्नफ्लोर में डालेंगे 1/4 कप पानी, मिक्स कर लेंगे। अंडे का भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। सूप में डालने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना लेंगे और अंडे को फेंट लेंगे। सूप बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे चिकन, 4 कप पानी डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे गाजर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, नमक और सफ़ेद मिर्च पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट तक पकाने के बाद कवर हटाएंगे। इसमें से चिकन निकाल कर उसके रेशे काट लेंगे। चिकन के रेशे करने के बाद फिर से सूप में डाल देंगे। चिकन शामिल करने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 1 मिनट के लिए। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालने से पहले इसे एक बार मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालने के बाद फिर से पकाएंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें डालेंगे अंडा, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे। हरा प्याज डालेंगे, नींबू का रस डालें, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन सूप तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।